बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको मैंगो फालूदा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार मैंगो फालूदा बनता है, बहुत इजी भी है, और अपने घर के अंदर ही आप इसको थोड़ा सा दो चार चीज़ों को ऑल्टरनेट करके और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाती है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। मैंगो फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैंगो प्योरे चाहिए। ये एक बड़े आम का प्योरे कर लिया है मैंने। इसके अलावा 2 टेबल स्पून फुल भर के चीनी है, हसबे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन जेली है, थोड़ी सी हार्ड बनाइएगा। 2 कप में 1 साशे डलता है, आप 1 कप में 1 साशे बनाइएगा। मैंने हाफ हाफ साशे तैयार किया है। तुकमलंगा है 1 टेबल स्पून, 1 कप पानी के अंदर भिगोया था, आप देखिए कितना सारा हो गया है। आधा मैंगो है, उसके चंक्स काट लिए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, अच्छे लगते हैं ये, तो ये आप जितने चाहे ले सकते हैं। 1 टीस्पून फुल भर के कॉर्नफ्लोर है, ये इसके अंदर जाएगा। पिस्ते बादाम हैं, मोटे चॉप किए हुए हैं। फालूदा पीने की नहीं, खाने की चीज़ है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रंच में आनी चाहिए, खाने के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा ये रोज़ सिरप है, रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी है, जो भी रेड जूस आपके पास है आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये 1.25 किलो दूध है, तकरीबन 5 कप समझ लीजिए। तो ये हम रिड्यूस करेंगे पकाते हुए, और पका पका के हम इसे तकरीबन 2 कप तक ले आएंगे, और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे ठंडा करने के बाद। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम दूध डाल देंगे और उसे अच्छे से जोश कर लेंगे। दूध को मैंने धीमी आंच पर ही जोश कर लिया है और अब ये मुस्तकिल पके जा रहा है। तो इसके अंदर अब इस वक्त हम डाल देंगे चीनी और साथ ही जरा से पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर घोल के हम ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। कोई इतना खास इसके टेक्सचर पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दूध अच्छा खासा है, लेकिन जब ये अच्छे से पक पक के रिड्यूस हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा गाढ़ा हो जाएगा, पानी पानी वाला नहीं रहेगा। बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, अब चीनी घुल जाएगी और ये दूध रिड्यूस होके सिर्फ 2 कप रह जाएगा, गुलाबी पन पे आ जाएगा। तब तक हम इसे धीमी आंच के ऊपर पकाते रहेंगे। तो देखिए दूध जो है वो मैंने अच्छे तरीके से काढ़ लिया है और ये 1/2 किलो बिल्कुल बाकी रह गया है। दूध देखिए कितना अच्छा थिक हो गया है कि ये लकड़ी के चमचे के ऊपर जमा हुआ है। बस हमें ऐसे ही चाहिए। और जब आप इसको काढ़ रहे होंगे तो आप इसकी सारी जो साइड्स हैं उनको बार बार स्क्रैप करते रहेंगे ताकि अच्छी सी इसके अंदर मलाई भी आ जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और अब मैं इसे किसी जग में निकालूंगी और उसके बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी। बिल्कुल चिल्ड चाहिए ये हमको। तो देखिए मैंने इसे जग के अंदर निकाल लिया है, अब ये जग जाएगा फ्रिज के अंदर। 3-4 घंटे ये अच्छे तरीके से चिल्ड होगा और जब खूब यह ठंडा हो जाएगा तो हम इससे मैंगो फालूदा रेडी करेंगे। तो देखिए फालूदे के लिए तमाम चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं। दूध बिल्कुल चिल्ड है, 2-3 घंटे मैंने फ्रिज के अंदर रखा है। ये हमारी तैयार हुई हुई फालूदा सिवैयाँ हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको एक और वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप जो है उसे देख के और बना सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों ग्लासेस के अंदर तुकमलंगा डालेंगे, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। तो ये आप जितना पसंद करें उतना डाल लें। अब इसके बाद इसके अंदर चला जाएगा ये हमारा रेड जूस या रेड सिरप, ये भी आप अपना फेवरेट कोई भी ले सकते हैं। सिवैयाँ डालेंगे जो हमारी हमने बनाई हैं, मैंने छोटे टुकड़ों में कर ली हैं, आप पूरी बड़ी भी ले सकते हैं। इसके अंदर आइसक्रीम का इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन मैं आइसक्रीम इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। अब इसके अंदर हम
मैंगो चंक्स डालेंगे, साथ ही थोड़ी सी ग्रीन जेली, थोड़ी सी रेड जेली चली जाएगी। आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन चूंकि ये मैंगो फालूदा है तो मैं इसके अंदर मैंगो ही डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मैंगो प्यूरे। अच्छा, मैंगो प्यूरे आप दूध के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूं ही डाल रही हूँ क्योंकि फिर इससे जो कलर है फालूदे का वो काफी वैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। थोड़े से चॉप पिस्ते बादाम डालेंगे इसके अंदर, ऊपर से भी डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये जो हमने रबड़ी दूध बनाया है ये डाल देंगे, 2 मिनट ठहरेंगे ये अच्छे तरह नीचे पहुंच जाए, फिर हम इसकी लास्ट लेयर करेंगे। तो दूध ये जो है थोड़ा थोड़ा सा नीचे चला गया है, अब इसके अंदर हम बाकी सब चीजें दोबारा दोबारा से डालेंगे। गर्मी के मौसम के अंदर ये ठंडा ठंडा फालूदा बहुत ही फरहत बख्श लगता है और बहुत मज़ा देता है। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आप मुझसे और कौन सी समर ड्रिंक है जो सीखना चाहते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी वो रेसिपी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। एक फालूदा मैंने आपको इंस्टेंट फालूदा के नाम से भी एक रेसिपी दी हुई है, उसे भी ट्राई कीजिएगा। वो रेसिपी भी आप इसी तरह से दूध तैयार करके और बना सकते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहें वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।